सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अब जो वीडियो देखिए, इसकी वीडियो बना दे परफेक्ट, कैसे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देता है, ऐसे वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाए, ताकि इस तरह की वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बिना बकवास करते हैं, बिना इंट्रो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली कैन मास्टर को ओपन करना है। ओपन करने जहाँ प्लस को जो आइकन दिख रहा है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको 60.9 रेशियो को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने में कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट करना होगा। इसमें इमेज नहीं, आपको वीडियो देंगे, आपको वीडियो को सेलेक्ट करना होगा। इसमें देख लीजिए जितना सारा इसमें प्रोजेक्ट दिया हुआ, सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारा चीज़ आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आप वहाँ से जो कुछ भी प्रोजेक्ट आप डाउनलोड करिएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते। उसके जो कोई प्रोजेक्ट रहेगा उसके नीचे जाइएगा तो आपको टाइमर चलेगा। टाइमर के नीचे आपको ब्लैक करके डाउनलोड बटन मिलेगा, ठीक है। तो बटन पर जैसे क्लिक करिएगा तो वो आपको टाइमर खत्म होने का बटन शो करेगा। बटन पर क्लिक करें तभी आपको जो कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा, ठीक है। नहीं तो आपको उसमें डायरेक्ट डाउनलोड करें तो आपको जो वाटर मार्क आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें, आप यहाँ से बैकग्राउंड देखिए वीडियो को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करना तो क्या करना, आपको देखिए इस तरह आपको वीडियो मिल जाए जो कि 29 सेकंड का। उसमें कट भी कर सकते हैं, जितना बार आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ऐसे वीडियो को कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 20 सेकंड तक रखेंगे, बाकी पार्ट को यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। आपको भी कट कर सकते हैं, नहीं तो आपको रख सकते हैं। उससे क्या करना, आपको जो मेरे वाला कैन मास्टर आपके पास नहीं थे, इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए इस तरह से कैन मास्टर को डाउनलोड किया था स्टेप बाय स्टेप, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से वीडियो को देख के आप कैन मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नया वर्जन जो कैन मास्टर देखिए कितना अच्छा बेहतरीन लग रहा है, जो कि जो फ्लावर वाला जो देखिए इसमें जो दिया हुआ डिज़ाइन और रोज फ्लावर वाला जो दिया हुआ कितना अच्छा और बेहतरीन लग रहा है देखने में, जो कि एकदम अच्छा और बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लेंगे जाकर वीडियो को देख लेना है। उसके कहना जो वीडियो अभी सेलेक्ट किए, इस वीडियो को सेलेक्ट करिए और यहाँ पर आइकन दिखा, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्ले वाला जो आइकन दिखाई, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ से डिस्प्ले देखिए, इस पर आपको दो फिंगर से इसको जूम करना है, ठीक है। इसको हम इस तरह से जूम कर लेते हैं, आपको इस तरह से जूम कर देना, ठीक है। इस तरह आप जूम कर लीजिए, जितना बार आपको डिस्प्ले है तो डिस्प्ले के हिसाब से इसको जूम कर देना, ठीक है। इसको जूम कर लीजिएगा। जूम करने क्या करना, आप यहाँ से प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर दिखाते जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ और छेड़छाड़ नहीं करना, सिंपली इसको करने वाले क्या करना, आपको फिर से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और यहाँ देख लीजिए गर्ला पीएनजी में जिसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको क्या करना, आपको इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर लगा देना है और इसको क्या करना, आपको यहाँ से लेयर को पहले लास्ट तक कर दीजिए। लास्ट तक करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ क्रॉपिंग का आइकन दिख रहा है, ठीक है। ये क्रॉपिंग आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करिए, क्लिक करके थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करके स्विच को यहाँ ऑन करना है। ऑन करने के अगर फिल्टर को अप्लाई कर देना, जितना आप उसको 50% भी कर सकते हैं, आप सिंपल इस तरह से कर देना, ठीक है। करना क्या, इसमें एक एनिमेशन डालना, जो कि आप इस इमेज पर सेलेक्ट करिए, एनिमेशन पर जाना है। आप इसमें कोई भी एनिमेशन इस जगह से डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है एनिमेशन को डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो भी एनिमेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा एनिमेशन सही रहेगा। तो ये एनिमेशन अच्छा लगा देखिए, ठीक है। स्लाइड डाउन का जो ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ से स्लाइड डाउन उसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के आपको फिर से वीडियो को फर्स्ट में रहिए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और यहाँ देखिए जो नेचुरल वाला देखिए पीएनजी इमेज को आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसको हम इस तरह से शायद किसी से बड़ा कर देंगे, इस तरह से इसको पूरा फुल कर देना, ठीक है। तो आपको इस तरह से फुल कर लेना है, इस तरह से देख लीजिए जितना आप यहाँ फुल करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए इसको हम इतना ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा लंबा बड़ा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपको इस पोजिशन पर इस तरह से कर देना है इसको साइज को और इस तरह से करने क्या करना, आपको ओके कर देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलिए आप सही, ठीक है। इसको इस तरह से पूरा फुल कर देना है और फुल करके यहाँ से ओके कर दे, ठीक है। ओके करने के आपको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है। लास्ट तक करने के आपको फिर से वीडियो को फर्स्ट में आइए और यहाँ से आपको लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और मीडिया आप क्लिक करने में क्या करना, आपको देखिए जो पीएनजी में इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लाइट वाला जो पीएनजी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके क्या करें, इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर लगा देना है और इसको क्या करना, आपको नीचे आना है और यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन क्लिक करके स्क्रीन को सेट कर देना, ठीक है। स्क्रीन को इस तरह सेट कर दीजिए। सेट करने के आपको फिर से इसको क्लिक करिए, क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। और डुप्लीकेट करके हम इसको इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। आपको इस तरह से लगा देना है। लगाने में क्या करना, आपको फिर से इस इमेज को सेलेक्ट करिए और फिर से इसको डुप्लीकेट कर दीजिए। फिर से डुप्लीकेट करके आपको नीचे आना है और यहाँ देखिए आपको कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
यहाँ आप देख लीजिए, ये जो दिख रहा है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करिए, आपको सबसे नीचे आना है और नीचे देखिएगा, आपको देखिए इसमें देखिए यहाँ पर HUE का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको अपने हिसाब से कलर को एडजस्ट कर देना, ठीक है। कोई भी कलर यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका देखिए इसको ओके कर देना है। इस इमेज को सेलेक्ट करिए लाइट वाला को, इसको भी डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करके फिर से हम उसी आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ से कोई भी कलर को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपको जो कलर अच्छा लगे वो कलर यहाँ पर लगा सकते हैं, उसको लगा के यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ से कलर को अच्छा कलर देख लेते हैं कौन सा कलर सही रहेगा, उसके हिसाब से आपको कलर को एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो कलर ये सही नहीं रहेगा तो यहाँ देख लेते हैं, आपको जो पसंद है कलर वो कलर को यहाँ से डाल के यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। वीडियो को प्ले करता है आपको समझ में आएगा, देखिए यहाँ से वीडियो को प्ले करते हैं और देखिए प्ले करें तो इसमें कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं दिख रहा, ठीक है। दोनों लाइट में कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है आपको बताते हैं पहले, जो इस लाइट को सेलेक्ट करिए और यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ओवर एनिमेशन का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देखिए इसको हम ब्लडिंग इसको यहाँ सेलेक्ट कर लें, ठीक है। बिलिंग शो जो ऑप्शन देखिए इसको आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। उसका इस लाइट को भी सेलेक्ट करेंगे, इसमें ओवर एनिमेशन जाएंगे, इसमें ब्लिंग को जो ऑप्शन देखिए इसको आपको क्लिक करना, ठीक है। अब वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं तो आपको समझ कितना अच्छा बेहतरीन लग रहा, ठीक है। इस तरह से आपको भी कर देना है, करने में क्या करना, फिर से वीडियो को फर्स्ट में जाइए, आपको एक सेकंड स्क्रॉल करना है और यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और फिर से जो लड़की वाला जो पीएनजी है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको हम इस पोजीशन पर रखेंगे, ठीक है। तो आपको इस पोजीशन पर रखना है और रखने के आपको साइज को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, चलिए इतना सही है। उसको हम इस पोजीशन पर रखेंगे और इसको लेयर को पहले पूरा लास्ट तक कर देते हैं, ठीक है। लास्ट तक कर दीजिए, उसका चाबी का पे क्लिक करिए, इसको 5 सेकंड या 7 सेकंड तक इसको स्क्रॉप कर लीजिए, तो इसको हम 5 सेकंड तक इसको स्क्रॉप कर लेते हैं और स्क्रॉप करने क्या करें, यहाँ से प्लस करने पर क्लिक करिए, इसको फिर से वीडियो को इस तरफ लास्ट तक भेजने वाला इसको अंदर कर देना, ठीक है। तो आपको इस तरह से कर देना है, करने बाद क्या करना आपको इसको थोड़ा सा और स्क्रॉप करना है 7 सेकंड तक, और 7 सेकंड तक करने बाद क्या करना आपको इसको उसको ऊपर की ओर खींचना होगा, ठीक है। तो हम इसको ऊपर की ओर थोड़ा सा साइज को बड़ा करके और उसको इस पोजिशन पर ला कर इस तरह से एडजस्ट कर देना, ठीक है। आपको भी इस तरह से कर देना है, करने बाद क्या करना आपको सेंड टू बैक कर देना, ठीक है। इसको इस इमेज पर क्लिक करिए 3 डॉट पर, यहाँ से सेंड टू बैक कर देना, बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद फिर से आपको लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, फिर से उसी इमेज को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके इसको क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको भी रोटेट कर देना है, लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, लास्ट तक फिर से इस वीडियो को फर्स्ट में आइए, लेयर और इस इमेज को फर्स्ट में आइए और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर लगा देना है और लगाने बाद क्या करना आपको इसको इस चाबी का क्लिक करना है, आपको 5 सेकंड तक आ जाना, ठीक है। इसको 5 सेकंड तक आ जाते हैं, आने बाद क्या करना आपको यहाँ से प्लस का क्लिक करिए, फिर से इसको बैक ले जाइए, इसको अंदर की ओर छुपा देना, ठीक है। छुपा दीजिए, छुपाने के क्या करना आपको 7 सेकंड पर आ जाना है और 7 सेकंड पर आने बाद क्या करना आपको साइज को इसको बड़ा कर देना, ठीक है। थोड़ा साइज को बड़ा करना है और उसको हम इस पोजीशन पर रखेंगे, आपको इस पोजीशन पर कर देना है। करने बाद 3 डॉट पर क्लिक करिए, इसको सेंड टू बैक कर देना, ठीक है। इसको बैक कर दीजिए, बैक करके देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरह से लग रहा है आपको इस पोजीशन पर, इसी तरह से आपको कर देना, ठीक है। करने बाद देख सकते हैं कितना अच्छा और बेहतरीन लग रहा है। अब क्या करना आपको 7 सेकंड के बाद क्या करना आपको यहाँ से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और मीडिया क्लिक करने बाद क्या करना आपको यहाँ पर जो यहाँ देख लीजिए जो घास वाला जो पीएनजी इमेज इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, से डाउनलोड कर लीजिए और इसको हम इस पोजीशन पर सर्च कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर लगा देना है और लगाने का क्या करना आपको इस पोजीशन पर रखना है, देख लीजिए इसी पोजीशन रखना, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है और इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर दीजिए और लास्ट तक करने के बाद आपको यहाँ से चाबी का क्लिक करिए, थोड़ा सा स्क्रॉप करिए और इसको वीडियो को फर्स्ट में जाना है, इसको साइज को हिसाब से बड़ा कर देना, ठीक है। इस हिसाब से बड़ा कर दीजिए और इसको प्ले करके आप दिखाते हैं, देखिए इस तरह से कितना बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। आपको फिर से लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और यहाँ से देखिए सिंगल वाला जो पत्ता पीएनजी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसको क्या करेंगे, इसको इस जगह पर ले आएंगे, ठीक है। और इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देंगे और इसमें जाना है ओवर एनिमेशन में, सबसे नीचे आपको रिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपको रिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, रिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, क्या करना वीडियो को आप इसको पूरा फर्स्ट में जाइए, ठीक है। फर्स्ट में आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और यहाँ से वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो टेम्पलेट वीडियो उसको सेलेक्ट करिए, इसको स्क्रीन को पूरा फुल कर देना है और फुल करके इस वीडियो को सेलेक्ट करिए, आपको नीचे ना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन को सेट कर देना, ठीक है। सेट कर दिए, सेट करने के आपको यहाँ से ऑडियो को आपको सेलेक्ट करना है, ऑडियो को सेलेक्ट करना है, ऑडियो पर आपको क्लिक करना है, ऑडियो पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ से एल्बम पर क्लिक करिए, आप यहाँ से कोई भी ऑडियो का आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे हम डाउनलोडिंग जाते हैं, आपको यहाँ से कोई भी एक ऑडियो का आपको सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करके इसमें लगा देते, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑडियो को सेलेक्ट कर लिए, देख सकते हैं अच्छा बेहतरीन है और यहाँ से आपको इस जगह आपको प्लस का जो आइकन दिख रहा है, आपको प्लस का क्लिक करिए तो आपको ऑडियो ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम प्लस का क्लिक करते हैं, क्लिक करके ओके कर देते हैं, ओके कर दीजिए और वीडियो को प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए ताकि इस तरह वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो डिस्प्ले पर 2 वीडियो और शो करके किसी वीडियो को क्लिक वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्यूटोरियल के साथ, धन्यवाद।